बाहर से दिखने में तो कंपनी एक नंबर है, देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है वेल्सपन कंपनी का एंट्रेंस गेट, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं आपको बता दूँ, जो मेरे पीछे डब्लू दिख रहा है वो वेल्सपन कंपनी का एंट्रेंस गेट है और ये कंपनी गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अंजार लोकेशन पर सिचुएटेड है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं वेल्सपन का एक्स एम्प्लॉई हूँ। 2018 में मैंने वेल्सपन ज्वाइन की थी, फिर मैंने 2 साल बाद वहाँ से जॉब लेफ्ट कर दी थी, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी में चला गया था। वेल्सपन कंपनी का इंडिया के बाहर भी, अब्रॉड में भी प्लांट हैं, जैसे कि अमेरिका लिटिल रॉक में इनका प्लांट है, तमाम साउथी में प्लांट है, बट जो ये वाला प्लांट है अंजार लोकेशन का, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है वेल्सपन का। इस प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट भी सिचुएटेड हैं, जैसे कि टेक्सटाइल प्लांट, पावर प्लांट, पाइप प्लांट, PCMD पाइप्स एंड कॉइल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इनका एक कोवेल करके टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल स्कूटर भी आता है, उसका भी प्लांट अंदर ही सिचुएटेड है। सो मैकेनिकल इंजीनियर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और DI जो पाइप है, डक्टाइल आयरन, उसका नया प्लांट खुला है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस हैं कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर ऑन देयर वेबसाइट DIIrecruitment@wellspun.com। और वेल्सपन ग्रुप की हायरिंग का प्रोसेस ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या है, जो भी इन नीड है जॉब, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी दूसरी फील्ड के, वो इनका एक रिक्रूटमेंट सेल डिपार्टमेंट है, ये बाहरी सिचुएटेड है। आप इस लोकेशन में जैसे ही एंट्रेंस गेट के जस्ट राइट हैंड साइड पे एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इनका, उसमें डायरेक्टली जाके आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि जॉब अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है। अगर होगी तो दे विल डायरेक्टली लेट यू नो कि कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एक वेबसाइट भी है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी अगर इंटरव्यू आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर करेंगे। और जो भी यहाँ पे सैलरी पैकेज है वो डिसेंट पैकेज है, इतना अच्छा भी नहीं है, बट करियर के स्टार्टिंग में है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी रिसेशन चल रहा है मैकेनिकल फील्ड के अंदर, तो जो भी मिले स्टूडेंट को अभी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कंपनी वर्कर्स और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराती है। चलिए मैं आपको उनका एकोमोडेशन दिखाता हूँ, जहाँ पे मतलब इंजीनियर्स लोगों का एकोमोडेशन होता है। सो लेट्स गो। बाहर से दिखने में तो कंपनी एक नंबर है, देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैं रात में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में अपनी शॉप जॉब पर था, तो मुझे टाइम मिलता नहीं, तो मैंने कहा चलो शाम में ब्लॉग बनाते हैं। ये बाहर का एनवायरनमेंट है यहाँ का, बढ़िया है। जो वेल्सपन का एकोमोडेशन है वो यहीं पर है, इस एरिया को बोला जाता है वेल होम, वहाँ पर लिखा है वेल होम। और इस साइड में ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी, कुछ भी आप इसके अंदर कांड करेंगे तो यहाँ पर आपको जेल हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कुछ कांड करने से पहले ये पुलिस थाने को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, देखिए पूरा ये मतलब वेल्सपन का ही बनाया हुआ है, पूरी कॉलोनी वेल्सपन की है। यहाँ पर आपको ICICI बैंक मिल जाएगा, ये सब थोड़ी खाने पीने की, थोड़ा स्नैक्स स्नैक्स की शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, तो अच्छी शॉप है। देखिए वेलोम के अंदर ये सब ICICI बैंक है, मतलब ये इनके कॉरिडोर में ही है सब कुछ, इनकी कॉलोनी है। यहाँ पे जो सामने जो है वो स्टाफ की कॉलोनी है, जो भी फैमिली वाले हैं उनके रूम्स बन रहे हैं स्टाफ में जो है, और जो वर्कर्स हैं उनके रोड के उस कॉर्नर में, मतलब उसके उस साइड में वो वर्कर्स का है उधर, ये सारा स्टाफ का है। ये देखिए ये वेलोम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं वो सब हो जाएगी, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है उनका। यहाँ पे ऊपर मेडिकल के और ऊपर स्वीट्स, ये सब शॉप क्लोज पड़े हैं। यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर है, वहाँ फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, परफेक्ट, बढ़िया एकदम। ऊपर यूटिलिटी सर्विस, सब बेकरी वगैरह सब कुछ है, देख सकते हैं।
यही है वेलो होम, ये अंदर स्टाफ की सोसाइटी है, देख सकते हैं। ये गेस्ट हाउस है बैचलर्स का, ये देखिए ये जो बैचलर्स होते हैं इंजीनियर्स, उनको यहाँ पे एकोमोडेशन है उनका, देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, एकोमोडेशन बेस्ट है, उसका कंपैरिजन कोई नहीं। और हर एक रूम के अंदर 3 बेड की ऑक्यूपेंसी है, मतलब 3 बैचलर्स रह सकते हैं, और लॉन्ड्री भी है उसके अंदर। और 3000 रुपये उसका मीन्स पे करना पड़ता है, वो अपनी सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।